पहली बीवी से बगैर इजाजत दूसरी शादी। अदालत ने शौहर को जेल भेज दिया। कराची में मुकामी अदालत ने मसीही नौजवान को दूसरी शादी पर सजा सुना दी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की ने जोशुआ इलियास को पाकिस्तान क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 9 साल कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दौरान समात मुदई के वकील ने अदालत को बताया कि मुल्जिम जोशुआ इलियास की 1.5 साल कबल खातून एस्टर से शादी हुई थी। मुल्जिम ने शादी के बाद अपनी बीवी को दुबई भेज दिया था। एस्टर वापस आई तो पता चला शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। पाकिस्तान क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी करना जुर्म है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मसीही नौजवान को 9 साल कैद सजा सुना दी और हुक्म सुनाया कि अगर मुल्जिम ने 25,000 रुपए जुर्माना अदा न किया तो उसे मजीद 20 माह कैद भुगतना पड़ेगी। ख्याल रहे कि मुल्जिम के खिलाफ पहली बीवी एस्टर ने महमूदाबाद थाने में अदालती हुक्म पर मुकदमा दर्ज कराया था। पाकिस्तान क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत सिंध में पहली बार ऐसी सजा सुनाई गई है।